हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं कि तंदुरुस्ती आधार नेमत है। मेरे दोस्तों, आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि ज़िंदगी में इंसान आप और मैं दुनिया की सबसे बड़ी अगर आपको नेमत कहें ना, तो वो है आपकी सेहत और तंदुरुस्ती। और वक़्त गुजरने के साथ ये एहसास होता है कि इंसान जो है ना वो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें बाज़ दफ़ा हम और आप जो है ना वो अपनी मिस्टेक की वजह से भी, या उसकी टेक केयर ना होने वजह से, या उसका पैटर्न ना समझने की वजह से हम अपनी सेहत को गंवा बैठते हैं। आप बाज़ दफ़ा हम और आप हज़ारों चीज़ें जो है ना वो मिसाल के तौर पर हासिल कर लेते हैं, जिसमें दौलत, कामयाबी, अच्छा हर चीज़, लेकिन हमें सेहत नसीब नहीं होती। आज का मेरा मौजू यही है, और अमेरिका से खुश आमदीद। और जो लोग मेरे पाकिस्तान में हैं, मैंने यही भी देखा है कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे जो फेस आई है पाकिस्तान में, वो ये है कि मेरे दोस्तों इतना ज़्यादा है, यानी जो दो नंबरी है, जो फूड स्टफ में जिसको इंक्लूडिंग वाटर, यानी अगर बाज़ दफ़ा अगर आप मिनरल वाटर भी लेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करते हैं, हर कहते हैं कि घाट का पानी पीते, और हर जगह का पानी पिया होता है, तो हम जब वो टेस्ट करते हैं, इवन इफ़ यू टेस्ट यू नो कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड वट एवर इन पाकिस्तान, तो टोटली क्लियरली फील हो जाता है कि यार कितना डिफरेंस है एंड कितनी दो नंबरी है। क्योंकि जब आप, मैंने देखा यूनाइटेड स्टेट में, मेरे दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं, मुझे सऊदी अरब में जब थे, यानी गल्फ में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, मुझे मैदे का बहुत मसला हो गया था, और उसमें यह है कि बहुत ही ज़्यादा, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल कोई सालन या ऐसी चीज़ें खा ही नहीं सकता था। बट मैंने रिसर्च शुरू की है कि व्हाट इज़ द बिहाइंड, तो मुझे पता चला कि सबसे बड़ी जो ना ब्लंडर में करता था कि ठंडी चीज़ें खाने के बाद, उसके बाद पेप्सी पी ली, उसके बाद ये है कि जो जिसको कहते हैं कि यू मिक्स अप मैनी थिंग्स, तो उसका मैंने रिवर्स ये किया कि कभी भी जो है ना आप खाने के बाद और खाने के साथ, खाने के दरमियान में, अगर बहुत हैवी, जिस तरह आपने बिल्कुल गोश्त ही खा लिया और बहुत हैवी स्टफ़ है, तो उसमें अगर आप पेप्सी थोड़ी सी पी लें तो वो हाजमे के लिए बेहतर होती है, बट यू नेवर एवर कंटिन्यू एनी कोल्ड स्टफ ड्यूरिंग यू आर ईटिंग। उसके बाद मैंने दूसरा ये किया कि आई नेवर एंड एवर फॉरगेट टू ड्रिंक यू नो ग्रीन टी और एनी जिसको कहते हैं, मैं बाज़ दफ़ा देखा है कि बाज़ जो जापानीज़ या जो कोरियन, ये लोग गर्म पानी या ऐसी चीज़ें जो ना, गर्म कॉफ़ी, पानी, कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी जिसको कहते हैं, लाइट ग्रीन टी, तो उसको इस्तेमाल, या आप सूप टाइप की चीज़ें खाने के बाद, तो ये आपके हाजमे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने ये किया कि पानी, यानी आप अगर जिसको कहते खाने के बगैर जो ना लाजमी आप पानी, फिर मैंने ये किया कंटिन्यू आई टेक द मेडिसिन, कंटिन्यू आई टेक द वाटर 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 ज़्यादा से ज़्यादा। अब मेरे दोस्तों, आप बीमारी के 50% अगर आपका अच्छा पानी और बहुत अच्छा मिनरल वाटर नहीं पी सकते, तो बॉयल वाटर अगर आप, तो आपकी 50% बीमारियों में जो है ना ये पानी का बहुत बड़ा जो दखल अमल होता है। और बाज़ लोग हम जो है ना पानी, क्योंकि मैंने, क्योंकि टेस्ट किया हुआ था पानी, हम मिनरल वाटर ज़्यादा पीते थे, तो उसमें मुझे एहसास हुआ कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो मेजर जब भी हल हो सकती है कि मैं पानी जो है ना वो सही, और पानी जो है ना आपको अगर सही मिल जाता है मेरे दोस्तों, तो बदकिस्मत है हमारे पाकिस्तान में तो ये नहीं है, तो आपको अगर ये नसीब ना हो तो आप फिर जो है ना घर वालों को या ख़ुद बॉयल करके पानी पिए, और ये जो है ना स्कैन करके, ताकि जो है ना आपका ये जो इशू ना बने हेल्थ का। और दूसरी में मेरे दोस्तों ये आपको बात बता दूँ कि अगर आप खाने में जो है ना, आपको अगर आप जिसको कहते हैं पानी का ज़्यादा बगैर खाने के सुबह और हर खाने से पहले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, दूसरा जो आज के दौर में जिस तरह ज़्यादा लोगों की ऑफिस में जॉबें, अच्छा ये है कि कोई सख्त जॉब नहीं है मेरे दोस्तों, ये आप भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में आप अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं, हेल्थ,
आप जो है ना फिजिकली के अलावा आप जो है ना हेल्थ में एक्सरसाइज ऐसी जो है ना हार्ड एक्सरसाइज जो है ना अपने रूटीन का बना लें, जिसमें आपको पसीना निकले और जिसमें आप जो है ना पूरे जिसको कहते हैं अंग अंग जब तक आपका हिलेगा नहीं, तो आपकी जो ज़िंदगी में जो सर्कुलेशन आपका फ्रेश ब्लड एंड फ्रेश जो है ना और जो एयर, तो आपकी बॉडी जो है ना वो इस तरह ना उसको कंटिन्यू जिसको कहते हैं कि आपके सेल्स को जो है ना वो रिवाइव नहीं करेगी। तो ये भी एक हमने एक बनाई हुई है कि बाज़ लोग गाड़ी से घर, घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस या जो काम, और उसके बाद कोई एक्सरसाइज नहीं। और तीसरा जो सबसे मेरे दोस्त, वो एक जो हेल्थी आम है बंदा है उसके लिए 1700 to 3000 1700 कैलोरीज आप बनाते हैं, और वो आप जो है ना मिसाल के तौर से हेल्थी लाइफ है। तो कुछ काम अगर आप एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। कैलोरीज क्या होती है मेरे दोस्त, जिस तरह आप एक अंडा खाते हैं तो अंडे में आपको जो है ना वो जर्दी को मिलाकर 250 कैलोरीज, अच्छा इसी तरह मिसाल के तौर पर 8 घंटे के दौरान यानी 3000 से 1700 से 3000 कैलोरी से अगर आपकी नीचे जो है ना आपकी खुराक है, और उसके लिए आप देखें कि बाज़ दफ़ा आप ऐसी जंक फूड जो आपकी 5-10 हज़ार कैलोरीज पर जो मोहित होता है, इसके लिए आपको कंसल्ट करने के बजाय आप एक अच्छी सी वीडियो भी देखें कि जो कैलोरीज जो है ना इसकी जो है ना वो किस में कितनी कैलोरीज होती हैं, ब्रेड में कितनी कैलोरीज हैं, अच्छा जो मिसाल के तौर पर दूसरे फूड जो हम खाते हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसका भी बहुत दखल अमल होता है। ये अगर आपको पता हो ना, और अगर हार्ड काम नहीं करते तो इसको भी आप मेंटेन करेंगे तो आपकी हेल्थ में जो है ना बहुत बड़ा आपको फ़ायदा होगा। और चौथी बात यह है कि मेरे दोस्त, अगर आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं और आप मुसलमान हैं तो आप नेक काम करना, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप ज़िंदगी में अज़कार और ज़िंदगी में जो है ना ये सारी जितने आप नेक होंगे इतना आपकी हेल्थ भी ठीक होगी और आपको ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत सी बीमारियों से बचे भी रहेंगे। और अगर बिलफर्ज जितने आप गुनाहगार और वो चीज़ें जितने, तो फिर कोई ना कोई आपको मुसीबत ऐसी पड़ेगी कि जितनी भी आप एहतियात करेंगे ये भी आप पार्ट ऑफ यानी इसको आप मुसलमान हैं और एंड देन यू लिव इट। आप गैर मुस्लिमों को देखें मेरे दोस्तों, उन पर आप अपने आप को तकिया नहीं कर सकते, उनको टोटली इट्स गिवन बट दे हैव मैनी प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट रियलाइज के वह अल्लाह का करम है कि हम मुसलमान हैं। हमें दीन बड़े क्लियरली हमें बताता है कि आप खुश कैसे रह सकें, और खुश एंड हेल्थी लाइफ ऐसे हो सकती है कि इसको भी आप पार्ट ऑफ लाइफ समझें, कि एक बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता और कहे मैं हेल्थी हो जाऊँ। मेरे दोस्तों फिर इफेक्ट होता है बुराई की ताकतों का, आपने देखा होगा कि बाज़ वगैरह नमाज नहीं पढ़ें आप तो आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी बिस्कल है, टूट जिस तरह टूट फूट का शिकार है आप, बहुत बड़े यानी जिस तरह आप बहुत हैवी माइंड और आपका बॉडी बिल्कुल जो है ना वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो उसकी वजह क्या होती है कि आप जो है ना वो शैतानी कुवतों को, बुराई कुवतों को इन्फिल्ट्रेट यानी अपने आप पर असरअंदाज की जितना उसको रोम देंगे तो इतना वो आपकी तबाही का बायस बनेंगी। तो ये भी आप जो है ना, इसके लिए मैं सेपरेटली इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि ये जो जो रॉन्ग फोर्सेस है ना, जो रूहानी जिसको कहते हैं आपकी जो बुराई की ताकतें जिसमें शैतान भी शामिल है, नफ्स भी शामिल है, ये आप पर कैसे जो है ना वो, और उससे बचा कैसे जा सकता है, आप लाजमी मेरी ये वीडियो भी देखने। तो टोटल कंक्लूड ये है कि यू ड्रिंक मोर वाटर इन योर यू नो कंटिन्यू डेली रूटीन, ये आप अपनी कैलरीज 1700 से 3000 इसकी डिटेल आप जो है ना वो किताबों से भी ले लें, यूट्यूब वीडियो से भी आप देखें कि हाउ मेनी कैलरीज आई कैन गेट इन माई डेली फूड, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा डिटेल, यू कैन वॉच एंड यू जस्ट यू नो गेट एक्सचेंज। तो तीसरी बात यह है कि सुबह के जो है ना वो खाने से पहले आप जो है ना पानी पी कर थोड़ा सा आप जो है ना एक्सरसाइज के लिए, अगर आपको सुबह सवेरे उठना अगर पॉसिबल हो, अगर जिनकी ड्यूटी मॉर्निंग है तो वो भी एक रूटीन बना लें। और ये मैंने कोरियन से ये सीखा है कि देखें
अपने आप को वार्म, आपने देखा होगा कि फौजी ये लोग इनकी जैसे मिसाल के तौर पर 4-4 बजे सुबह इनको पीटी कराते होते हैं, अच्छा ये कुछ हैवी उठा कर वॉक करा दी, इसलिए कि मैं ये नेचुरली है कि अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं कि ये आपके लिए हेल्थी रहने के लिए एक लाजम जुज है, और एक फौजी की जैसे लाइफ होती है वो इसीलिए उसको एक्टिव रखने के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, सो दैट यू आल्सो इन योर काउंट कि अपनी लाइफ में ताकि आप हेल्थ वाइज बेहतर हो। बाकी अल्लाह ताला जो है ना वो किसी आजमाई से बचाए, वो सारी चीज़ें इसीलिए आती हैं कि हम या तो दीन को भुला देते हैं या हेल्थ को भुला देते हैं, हेल्थ की न्यूट्रिएंट जो होती हैं जो हमारी हेल्थ को बेहतर सके वो भुला देते हैं, इस वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी जो है ना क्लीन वाटर ये 50% आपकी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो बने पानी भी, उससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी, यानी ये भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपकी टोटली अगर आप ये स्किन प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, आपका पूरे जिस्म में हमेशा हेल्थी आप नजर आए, तो आप पानी ज़्यादा पिए, जितना आप पानी पिएंगे तो इसका ये जो आपका खात्मा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे दोस्तों, आप रिसर्च किया करें, मैं डिफरेंट किसी को बीमारियां होती हैं, मैंने ये भी देखा है कि सब हम डॉक्टरों पर डिपेंड करते हैं, कोई बीमारी हो जाए दवाई दी दी दी, नो यू गेट एंड गो एंड रिसर्च के भाई मैं इसको जो है ना वो जिसको कहते हैं नेचुरली कैसे इसको क्यूर कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ें आप कवर होंगी तो आपको ये समझ आएगा कि हेल्थ इज़ द वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, और इस पर आपने बहुत बड़ा तवज्जो देनी है। तो अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हेल्थी और पीसफुल और खुशगवार ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे, वो जब भी है कि हम अल्लाह ताला की आजमाइश ना करें मेरे दोस्तों, हर चीज़ हम जो है ना वो कहते हैं जी अल्लाह ताला करेगा, मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश के लिए भेजा है, हम अल्लाह की आजमाइश ना शुरू करें माज़ अल्लाह, एंड दैट्स यू दैट्स हैबिट, इफ़ यू आर मुस्लिम एंड यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव यू नो नॉलेज, यू डोंट टेस्ट योर गॉड, यू टेस्ट यूअर सेल्फ एंड सी वट आर द मिस्टेक्स दैट यू कैन करेक्ट, दैट गॉड गिवन यू ऑल द टूल्स दैट यू कैन करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।